हेलो एवरीबॉडी दिस इज कृणाल नायक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट और स्वागत करता हूँ आप सबका आज के हमारे सेशन में आज के सेशन में हमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी है जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वैसे तो हम सबका डाटा रखता है एंड दे आर यू नो लाइक क्वाइट जो हमारा सबका डाटा होता है वो इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सिक्योर होता है वो हम समझते हैं लेकिन अभी कुछ ही दो वीक पहले ऐसा हुआ कि इमिग्रेशन की वेबसाइट को हैक कर लिया गया और इमिग्रेशन की वेबसाइट को हैक करने के बाद उसमें क्या हुआ है कि वो साइबर से जो एक एक लिस्ट भी होती है ऑस्ट्रेलिया में कि जितने साइबर अटैक्स होते हैं उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चोरी किया गया उसके डिटेल्स भी वो रखते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ डिटेल्स नहीं रखे सिर्फ उन्होंने ऐसा एक अटैक हुआ और दैट अटैक वॉज यू नो प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम लॉगिंग इन

and this will be like people having uh, not been able to access the visa and citizenship application online following the uh, following on attack on the department of home affairs, affairs website the department of home affairs said it was a first made aware of the distributed denial of service ddos attacked overnight and an investigation has been

उसने डाटा चोरी कर लिया हो ऐसा नहीं हुआ है एंड वन फेडरल सेनेटर सेज द शटडाउन इज अ डिस्टरबिंग इंसिडेंट वो थोड़ा सा डिस्टरबिंग इंसिडेंट था ऑलराइट सो नाउ टिपिकली सो ये जो डीडीओएस अटैक होता है व्हेन समवन अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रप्ट अ और अदर पीपल्स एबिलिटी टू एक्सेस द सर्वर सर्विसेज और नेटवर्क टिपिकली बाय द ओवरलोडिंग विद द रिक्वेस्ट एंड द अटैक आर बीइंग

बंद रहा था एंड इन्वेस्ट नो डिपार्टमेंट होल्डिंग पर्सनल और सेंसिटिव बीन लेकिन वो हमें पता नहीं है कि एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ है एन इन्वेस्टिगेशन इन टू सराउंडिंग इंक्लूडेड द वे वो मतलब अभी चल रहा है और जब जब भी ये कुछ इसका आउटकम आएगा वो हमें बताएंगे कि भाई क्या क्या हुआ था सो बेसिकली इट्स नॉट ह्यूज ह्यूज थिंग इतना नहीं है ऐसा डिपार्टमेंट बता रहा है कि इतना कोई पर्सनल डाटा नहीं गया है या फिर कोई लॉस नहीं हुआ है लेकिन अभी आगे जैसे आप और हम समझते हैं कि जैसे कोई साइबर अटैक होता है तो जो आपका हैकर होता है उसके पास मतलब दे हैव कैपेसिटी टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टील करने का वो कैपेसिटी रखते हैं और उसके बाद वो लोग फिर वो डाटा को मिस यूज करते हैं तो इस आर्टिकल से हमें सीख क्या मिलती है तो फर्स्ट इज के आपको अपना डाटा सिक्योर रखना है कि जहाँ पे भी अपने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी को भी दे रहे हो इवन माइग्रेशन एजेंट्स हमें भी दे रहे हो तो यू हैव टू डू नो लाइक आपको सिक्योरिटी के साथ वो फॉरवर्ड करने हैं या फिर वो सोशल मीडिया या वो वो अनसिक्योर्ड ई मेल ऐसे ई मेल्स मत यूज कीजिए तो अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट शेयरिंग करना है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट वेन आम टॉक अबाउट पासपोर्ट योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एंड ऑल दैट देन यूज अ सिक्योर मेथड यूज अ सिक्योर ई मेल और सिक्योर पोर्टल्स जहां पे आपके सिक्योर पोर्टल जहां पे आपके डॉक्यूमेंट सिक्योरली ट्रांसफर और आपके एजेंट तक आप पहुंचा सको या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से या कोई भी ईमेल आपको आता है तो वो ईमेल क्लिक करने से कोई भी एसएमएस ये दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग कि आपको ईमेल भेजा जाता है और आप उस ईमेल को फिशिंग ईमेल बोलते हैं उसको तो उसको क्लिक करते हो देन उसके बाद आपका कंप्यूटर उनका हो जाता है का हो जाता है और वो सारे आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं तो जो फर्स्ट अटैक होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ये सब सारी चीजें करनी है कोई भी अननोन लिंक हो उसको क्लिक नहीं करना है बिकॉज आज के जो वर्ल्ड में हम जी रहे हैं वहां पे पर्सनल डाटा इज एवरीथिंग आपका पासपोर्ट नंबर आपका आधार नंबर आपका आईडी नंबर जो भी नंबर है आपका वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका आपके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट सिक्योर रखिए सारे को भी पेड uh, सर्विसेज आप यूज कीजिए उसके लिए एंड व्हेन यू शेयरिंग विद विद देम दैट शेयर द लिंक तो आप वो लिंक कंट्रोल कर सकते हो कि भाई हाँ इस इतने दिन तक आपको मेरे डॉक्यूमेंट का एक्सेस रहेगा उसके बाद वो एक्सेस आपका खत्म हो जाएगा तो ऐसे डॉक्यूमेंट uh, आप शेयरिंग कीजिए और दूसरी चीज की मेन 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि डोंट क्लिक ऑन अननेसेसरी लिंक्स आप जो लिंक को नहीं नहीं पहचानते हो नहीं पहचान पा रहे हो उन लिंक्स पे क्लिक क्लिक मत कीजिए, एक आपका गलत क्लिक आपके पूरे डाटा को वोनरेबल बना सकता है इंक्लूडिंग तो you know? like ऑस्ट्रेलिया आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पासपोर्ट पर आपका पासपोर्ट बिक गया और आपका वीजा भी बिक गया और आपके उसको वीजा भी लग गया और वो बंदा आ भी गया है ना तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे तो वी हियर एंड स्पेशली जब डिपार्टमेंट खुद इन फ्रॉड्स का वो फ्रॉडस्टर्स का शिकार बन सकता है देन वी आर नो वन उनके पास इतनी सिक्योरिटी है इतने लोग हैं एंड स्टिल दे आर फेसिंग दिस डिस्टर्प्शन देन यस वी आर नो वन और हमें भी ये सारे डिस्टर्पन्स आ सकते हैं और जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हमारे ही एक क्लाइंट थे उनके फोर्टी थाउजेंड डॉलर उनके खुद के बैंक अकाउंट से चोरी हो गए उनको पता भी नहीं आज थे कल देखा तो कल फोर्टी थाउजेंड डॉलर नहीं थे नो डाउट बैंक वगैरह कुछ गारंटी लेके वो करते हैं दे हेल्प यू टू ब्रिंग दैट मनी बैक बट यस जब आए तब ठीक है नहीं आए तो नहीं आए तो योर पर्सनल इंफॉर्मेशन योर फाइनेंसिस एंड मेनी अदर थिंग्स दैट पीपल कैन स्टील पीपल कैन हैक एंड दे कैन मिस यूज दम सो ऐसा ना हो आपके साथ इसीलिए प्लीज थोड़ी सी यू uh, नो you know, एहतियात बरतीगा और अपने 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 डॉक्यूमेंट्स और अपने आप खुद का अपने डिजिटल डाटा का और अपने फैमिली के डिजिटल डाटा का बिल्कुल ध्यान रखिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम कृणाल नायक ए रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट थैंक यू